सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा देख सकते हैं मेरे हाथ में वीवो V9 है। तो इसमें जो है पैटर्न लॉक हो चुका है और इसका जो है आज हम पैटर्न रिमूव करके दिखाएंगे। काफ़ी इजी मेथड से मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और काफ़ी अच्छे से आप इसे अनलॉक कर पाएंगे। यदि आपका नहीं भी होता तो मैंने इस पर 2-3 और वीडियो बनाई है, तो उस वीडियो को देख के आप लोग PC के थ्रू भी कर सकते हैं। और जो है इसमें यदि आपका पैटर्न लग जाता है तो हार्ड रीसेट ये होने वाला फ़ोन नहीं है। तो आपको कैसे करना है, तो आप लोग को जो है फ़ोन में आप लोग बटन दबा के हार्ड रीसेट नहीं कर पाएंगे। तो ये फ़ोन जो है PC के थ्रू होता है, ऑनलाइन होता है। और मैं आज इस वीडियो में आप लोग को ऑफलाइन मेथड बता दे रहा हूँ और ऑनलाइन वाला भी मेथड जो है PC के थ्रू, उस वीडियो को मैं अलग से डाला हूँ। और इसमें यदि FRP लॉक भी आता है तो इस पर मैं अलग से वीडियो 2-3 वीडियो इसी चैनल पर ला दिया हूँ, आप लोग उस वीडियो को देख के कर सकते हैं। तो अभी मैं इसका जो है पैटर्न कैसे निकालना है इस वीडियो को मैं फुल आप लोग को बता रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैं पीछे करते जा रहा हूँ, इस वीडियो में आप बैक में देख रहे हैं वीडियो जो चल रही है, उस वीडियो को देख के आपको करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल में प्ले स्टोर में जाके अपना जो है अपना ये जो फाइंड माई डिवाइस वाला एप्लीकेशन है इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। तो इसमें आपको यदि आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड पता है तब आप ये जो है ट्रिक को कर सकते हैं। यदि आपके फ़ोन में जो ईमेल आईडी पासवर्ड जब ये वीवो V9 लेते समय आपने जो प्ले स्टोर में साइनअप किया होगा उसी ईमेल आईडी को आपको फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन डाउनलोड करके दूसरे फ़ोन में आप लोग को लॉगिन कर लेना है अपने जो है ईमेल आईडी और उस भी पासवर्ड को। यदि आपको ये बहुत लोगों को पता रहता है, बहुत लोग काफ़ी लोग भूल ही जाते हैं। अपना ईमेल आईडी तो याद रहता है उनको लेकिन अपना पासवर्ड भूल जाते हैं। लेकिन आप लोग कवर रिकवर करके अपना जो है पासवर्ड इस ट्रिक का यूज़ करके अपने फ़ोन को फाइनली अनलॉक कर सकते हैं। इस मेथड का यूज़ करके आप भी ओप्पो वीवो कोई भी फ़ोन को काफ़ी ईजिली से यूज़ जो है अनलॉक कर सकते हैं। तो आप लोग जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और कोई भी आपका कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आप लोग का रिप्लाई देने की काफ़ी जो है कोशिश करूँगा। तो मैं आप लोग को रिप्लाई शाम तक दे देता हूँ क्योंकि रात में जो है दुकान पर रहता हूँ और रात में घर पर जाने के बाद आप लोग का जो नोटिफिकेशन आया रहता है कॉमेंट का, मैं उसका 100% अभी सब्सक्राइबर उतने नहीं है। तो आपका जितना सारा जितना कॉमेंट रहता है मैं रिप्लाई करता हूँ। तो फाइनली मैं जो है इस फ़ोन में सिम नहीं लगा था, इस फ़ोन में नेटवर्क नहीं था। तो आपको सबसे पहले ये फ़ोन में वीवो V9 में नेटवर्क देना है और अपने फ़ोन में वाईफाई भी कनेक्ट कर तो नहीं पाएंगे। तो यदि वाईफाई ऑलरेडी कनेक्ट था तो ठीक है, नहीं कनेक्ट है तो आपको एक सिम को लगा देना जिसमें आपका नेट हो। तो हमने इसमें एक सिम लगा दिया जिससे उसे नेट मिल जाए और जो दूसरे फ़ोन में इस फ़ोन का फाइंड आउट कर पाए। तो इस मेथड का यूज़ करके आप अपने फ़ोन का IMEI नंबर जान सकते हैं या ट्रैक करके अपना जो है कभी फ़ोन खो जाता है तो आप रिपोर्ट करके जो है अपने फ़ोन को पा सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन घंटी भी बजा सकते हैं यदि मान लीजिए आप फ़ोन इधर उधर भी रख देते, तो फाइंड माई डिवाइस से कई काम कर सकते हैं। अपने फ़ोन को तो रीसेट कर ही सकते हैं, साथ में अपने फ़ोन को अनलॉक तो करेंगे ही और अपने डिवाइस को पता भी कर पाएंगे। यदि आपका फ़ोन खो भी जाता है तो यहाँ पे कुछ मैसेज भी लिख के जो है फाइंड माई डिवाइस, यदि ईमेल आईडी पासवर्ड पता है तो दूसरे फ़ोन में लॉगिन करके आपको फाइंड माई डिवाइस में और उसमें अपना जो है क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन लॉक लगा रहा हूँ, तो प्लीज़ कॉल मी दिस नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख दिया और मैंने अपना कॉल पे नंबर लगा दिया और वहाँ पे जैसे ही मेरा फ़ोन वहाँ पे जो है मैं करूँगा तो उसके पास कॉल जाएगा जब मेरा फ़ोन खो जाता है। तो इस वीडियो में आपको कई चीज़ों के बारे में बता दे रहा हूँ, फ़ोन तो अनलॉक होगा ही लेकिन इसमें आप फाइंड माई डिवाइस के ऑप्शन से आप लोग अपने पुराने खोए फ़ोन को भी खोज सकते हैं जो आपका खो जाता है। तो देखिए मैंने इस फ़ोन में रिंग मारा तो इस फ़ोन से, तो ये फ़ोन में जो देखे रेडमी नोट 4 में से इसमें जो कॉल लगाए तो इसमें कॉल आ रहा है और जो कोई भी आपका फ़ोन पाएगा उसके पास घंटी बजेगा। आदि आप इधर उधर भी रख देते हैं तो नोटिफिकेशन जो हम घंटी बजा सकते हैं। अब फाइनली हम इस फ़ोन को इरेज कर रहे हैं, तो देखिए हमारा फ़ोन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगा। जो इस फ़ोन में नेट मेरा कनेक्ट हो चुका है क्योंकि मैंने इसमें अभी जियो का सिम डाला था। तो इस मेथड का यूज़ करके काफ़ी फ़ोन आप लोग काफ़ी जो है आपके फ़ोन लॉक हो जाते हैं। तो यदि आपकी ईमेल आईडी एक पता रहेगा जो उसमें पासवर्ड था ईमेल आईडी, और देखिए फाइनली हमारा फ़ोन रीसेट हो रहा है बैक में देख सकते हैं। तो हमारा इस मेथड से कई फ़ोन जो मैंने अनलॉक किए हैं। बहुत लोग जो फ़ोन लेके आते हैं शॉप पे तो बोलते हैं भैया मेरा जो है फ़ोन लॉक हो चुका है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन रहता है आपको ईमेल आईडी अपना पासवर्ड पता है, तो बोलते हैं हाँ पता है। तो मैं बोलता हूँ आप जल्दी से उसे प्रोवाइड करिए, मैं आपका फ़ोन अभी कुछ देर में अनलॉक कर दूंगा। तो जो लोग को पता रहता तो कर देता हूँ, नहीं पता रहता तो मुझे भी प्रॉब्लम होता है, मुझे भी PC के थ्रू हेल्प लेके करना पड़ता है क्योंकि MRT टूल और मिरकल टूल और कई सारे जो टूल हैं उनके हेल्प से जो है कई सारे CPU जो उनके लगे रहते हैं
मीडियाटेक और क्वालकॉम, तो उस सबको फ्लैश करना पड़ता है तब जाके होता है। तो फाइनली मैं फ़ोन देख सकते हैं रिसेट हो चुका है, वीवो वी नाइन, वी नाइन प्रो और ओप्पो रियलमी। इस तरह से यदि आपके फ़ोन में जो ईमेल आईडी साइनअप था उस ईमेल आईडी पासवर्ड का यूज़ करके दूसरे फ़ोन से आप अपने दूसरे फ़ोन को रिसेट कर सकते हैं कम्प्लीटली। तो ये जो है एक ट्रिक काफ़ी अच्छा है और इस पर बहुत सारी वीडियो बनी है, तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बना दिया, आप लोग को काफ़ी अच्छे से हेल्प हो पाए। तो इस ट्रिक का यूज़ करके अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हैं। यदि आपको ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं पता है तो कमेंट मत करिए, मैं आप लोग के लिए इसी चैनल पे एक वीडियो और बना दिया, उसमें आपको मिरेकल टूल का हेल्प लेना होगा और उसके बाद अपने पीसी से जो है अनलॉक करना होगा। तो आप लोग के पास जो लोगों के पास पीसी है वो लोग कर सकते हैं, और आपको फ़ोन को ऑन जो है बैक पैनल को ओपन करना पड़ेगा, हार्डवेयर का भी थोड़ा हेल्प लेना पड़ेगा। तो उस वीडियो को मैं इसी चैनल पे डाल दिया हूँ, अभी आ जाएगी, यदि नहीं आई होगी तो आ गई होगी, मैं अभी अपलोड कर दूंगा। अभी मैं कई सारे वीडियो के पीछे जो है बिजी हूँ, एडिटिंग भी अपने से करता हूँ, और देखिए एफआरपी लॉक भी इस फ़ोन में है। तो इसमें ईमेल आईडी जो है साइनअप करने के लिए बोला जाता है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकता, तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बना दिया। चलिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय फ्रेंड्स।